प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा 13 अक्टूबर को फिरोजाबाद आएगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव लोगों से रूबरू होंगे। यह जानकारी एडा चौराहे पर स्थित प्रिंस जैन के प्रतिष्ठान पर प्रोफेसर अनिल यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। अध्यक्षता मौनी सिंह मीडिया प्रभारी लखनऊ ने की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा 12 अक्टूबर को मथुरा से वृंदावन से प्रारंभ होगी, जो रात्रि में आगरा में विश्राम करेगी। यह रथ यात्रा 13 अक्टूबर को फिरोजाबाद जिले में प्रवेश करेगी, जो टूंडला फिरोजाबाद भ्रमण करते हुए सुकाहवा दोपहर 2 बजे पहुंचेगी, जहां रथ यात्रा में मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का जोरदार स्वागत किया जाएगा, जहां पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव लोगों से रूबरू होंगे, जहां पर अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताएंगे। इसके बाद रथ यात्रा सिरसागंज के लिए रवाना होगी, जहाँ बाबा की शाला वीरांगना अवंती बाई स्कूल पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का मकसद समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ना है। आगामी चुनाव में पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी या राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर से तय होगा। उन्होंने बताया कि प्रसपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। प्रेस वार्ता के दौरान नरेश यादव, मंगल यादव, प्रवेश यादव, पिंकी यादव, विवेक जैन, प्रिंस जैन, संभव जैन, रंजीत यादव, श्याम सुंदर यादव, उदय सिंह, आकाश यादव, विष्णु कांता यादव, मोनू यादव मौजूद रहे। देखिए फिरोजाबाद से जैन की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। आज प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका क्या उद्देश्य? आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा आरणी श्री शिवपाल सिंह यादव जी के नेतृत्व में निकल रही है, तो ये मथुरा से शुरू हो रही है और ये मथुरा से शुरू होकर 13 तारीख को फिरोजाबाद पहुंचेगी। तो इसमें इसकी प्रेस वार्ता का यही है कि अधिक से अधिक भारी से भारी मात्रा में लोग आए और आकर इस परिवर्तन रथ यात्रा को सफल बनाए। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे व्यापारी, किसान, मजदूर, युवा हमारे जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो उनको लेकर रखा गया है कि सामाजिक परिवर्तन यात्रा इस बार सत्ता परिवर्तन करे। जिस तरीके से भी बीते दिनों किसानों को लेकर जो मंत्री के बेटे द्वारा कुचल दिया गया था, तो इसको लेकर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था कि उन्होंने लखनऊ में जेल में उनको गिरफ्तार कर लिया गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग उनके आवास में जिस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया था, सैकड़ों हजारों की संख्या में उनके समर्थकों ने उनके साथ थे समर्थकों का था और बाद में पुलिस लाइन आकर वहां पर समाप्त किया गया था। तो सबसे पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मेन उद्देश्य ये है कि किसानों की जो मांग है उसको पूरा करे सरकार, और उसके बाद जो किसानों की जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से अत्याचार उन पर पड़ रहा है सरकार द्वारा, मंत्री जी के बेटे द्वारा उनको कुचल दिया गया है, तो ये तो घोर निंदनीय कृत्य है। इस कृत्य की मैं घोर निंदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश के हमारे जितने भी युवा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें हैं, इस यात्रा को सफल बनाएं और सफल बनाकर इस बार मिशन 2022 में सत्ता परिवर्तन करें, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को सत्ता में लाएं और विजयी बनाएं। प्रेस वार्ता रखी गई है, इस बारे में क्या कहना है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव प्रसपा वृंदावन से सामाजिक रथ यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि मथुरा वृंदावन से होते हुए आगरा 12 तारीख को स्टे करेगी, 13 तारीख को सामाजिक परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ प्रेस वार्ता के बाद 10 बजे से आगरा से प्रारंभ होगी, टूंडा से होते हुए फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और सिरसागंज होते हुए सैफई में समापन होगा। उसकी एक जनसभा अवंती बाई इंटर कॉलेज, कौन सी जगह है वो, बाबा की शाला वहाँ एक सभा होगी, उसके बाद सैफई में होगा।